बना एन बाईसा ने खमा गणिसा। आप सभी को मैं आज बता रहा हूँ जोधपुरी साफा किस तरह से बांधा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपने को इस 9 मीटर का साफा लेना है, उसको इतना रखना है, फिर ऐसे करके अपने को ई वाले भाग को इतना ऊपर रखना है हाथ को, ताकि क्या आपका साफा नीचे ना खींचे। फिर इसको एक तरह से मुंह में डालकर ये हाथ ऐसे इस तरह से अपने को इस तरह से बांधना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला आपको मुंह से निकालना नहीं है, ये तो क्या मैंने सीखा हुआ है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। दूसरा बात, इसको फिर आप वापस यहाँ हाथ देकर फिर ये वाला भाग उसके ऊपर चार पांच पट्टे ऐसे कैसे ये ले लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, साफे को इस तरह से पट्टे बनाने हैं छोटे छोटे, ज्यादा बड़े ही नहीं हो, ज्यादा मिसिंग देना, इस तरह से हाथ जैसे इस्त्री करते ना जिस तरह से होना चाहिए पूरा एकदम टाइट। तो फिर उसके बाद में फिर इसको भी फिर वापस नीचे से ऐसे खींचना, ये कपड़ा होता है ना जो सिलेटे का, इसको याद से लेकर फिर ऐसे टाइट खींचना। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको गांठ कैसे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे लेते हैं फिर ऐसे डाल देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको पीछे घूमकर बता देता हूँ, ये देखो इस तरह से ये अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया, फिर इसको टाइट खींचना एकदम खींच लिया। उसके बाद में ये वाला भाग है ना इसको ऐसे ही ऐसे ऊपर लेकर ये अपने साइड में आठे दिए हुए ना इसको इस तरह से पीछे से ये ले लिया। फिर इतना भाग अपने को बाहर देखना है, फिर अपने को इस तरह से साफे को थोड़ा उठाना है, फिर आप जैसे बॉल लो या कुछ भी लो तो उसको साफे के अंदर डालूंगा तो ये बाल ढक जाएंगे। आपको बाल दिख रहे हैं मेरे, तो उसके लिए कुछ नहीं है, ये बाल तो दिखेंगे, आप बॉल में डालूंगा तो सही हो जाएगी। ये हमारा बन गया साफा तैयार।